अब तुम लोग बोलते नहीं तो हमको बंद थोड़ा, किसी को मना थोड़ा ना किया है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है मियोसिस। मियोसिस, लड़ो मत लड़ो मत, मारपीट मत करो, ठीक, मियोसिस। और इस मियोसिस के चलते क्या होगा, जो सेल्स बनते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं, वो कैसे बनते हैं एन। अब हम लोग इस सिलाजिनेला में ही एक अलग सी चीज जान चुके हैं, इसको जान चुके हैं कि ये कैसा है, ये हेट्रोस्पोरस है। जान चुके हैं कि नहीं जान चुके हैं ना, इसमें हमने शुरुआत में पढ़ा था, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक थे उसमें कि सिलाजिनेला जो है वो हेट्रोस्पोरस है, यानी कि वो दो तरीके के स्पोर बनाता है। एक तो बनाता है वो माइक्रोस्पोर्स, और एक बनाता है मेगा स्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और माइक्रोस्पोर्स से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट। ठीक, मेल गैमेटोफाइट। जाहिर सी बात है, अगर मेल गैमेटोफाइट बना है तो इस पे कैसा मतलब गैमेट डेवलपिंग स्ट्रक्चर बनेगा, क्या नाम होगा उसका जो गैमेट बनाएगा इस मेल गैमेटोफाइट के ऊपर। बताओ, जाहिर सी बात है, जो अरे तुम लोग अब ऐसे लड़ोगे तो माइक ही नहीं खोलोगे मतलब। अच्छा, हाँ सही बात है, सामने हो तो गुद्दा गुद्दी चली गई ये बात। तो मेल गैमेटोफाइट बन रहा है माइक्रोस्पोर से, और जो इस पे गैमेट डेवलपिंग स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंथ्रिडियम, और उससे निकलेंगे एंथेरोजॉइट्स। ठीक, जो मेगा स्पोर्स होंगे ये साइज में बड़े होंगे, और ये बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा गैमेट फॉर्मिंग उसको हम बोलेंगे आर्किगोनियम, है ना, उसको हम बोलेंगे आर्किगोनियम, या कई लोग उसको आर्चिगोनियम में बोलते हैं। और उस आर्चिगोनियम या आर्किगोनियम में से क्या बनेगा, फीमेल गैमेट या एग, ये बनेगा। और अभी तक जो हम लोग पढ़े थे लाइकोपोडियम में, जितना चीज हम लोग ने पढ़ी थी उससे काफी कुछ हटके है यहाँ पे, है ना, उससे काफी कुछ हटके है। तो क्या हटके है, वो सबसे पहली बात तो यही हमको हेट्रोस्पोरस वाली। कौन आ गया भैया क्लास में, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या हटके है हमको वो पता चल गया कि सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। ठीक, याद रखोगे तुम लोग, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। अब एक एक करके नोट करना शुरू करना कि क्या क्या चीजें हटके हैं जो अभी तक हमको नहीं देखने को मिल रही थी। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर हमें एक जैसे स्पोर्स देखने को मिल रहे थे सारे लाइकोपोडियम में, तो अगर हम लाइकोपोडियम का, अगर हम लाइकोपोडियम का स्पोरोफिल देखते तो हमको एक सेंट्रल एक्सिस मिलती, एक सेंट्रल एक्सिस मिलती, उसमें यहाँ पे हमको क्या मिलते, उसमें हमको लीफ मिलती, और इसी लीफ पे लगे हुए ऐसे गोल गोल स्पोरेंजियम मिलते। एक लीफ मिलती, उस पे स्पोरेंजियम मिलता, एक लीफ मिलती, उस पे स्पोरेंजियम मिलता। ठीक है, बेसिकली ये कह लें कि स्पोरोफिल्स जो स्ट्रोबिलस बना रहे थे वो सभी के सभी एक जैसे थे, है ना, वो सभी के सभी एक जैसे थे, कोई डिफरेंस नहीं था, सबके सब एक जैसे स्पोर्स बना रहे थे। इसमें भी बढ़िया, ये वही स्पोर्स भरे थे जितने इसमें भरे थे। लेकिन अब जब आप लाइकोपोडियम से सिलेजिनेला की तरफ आए हो तो एक बड़ा डिफरेंस हो गया है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया है कि अभी तक जो लाइकोपोडियम था वो लाइकोपोडियम था हमारा होमोस्पोरस। ठीक, वो लाइकोपोडियम था हमारा होमोस्पोरस, और इस होमोस्पोरस लाइकोपोडियम में हमको सारे स्पोर्स एक जैसे मिल रहे थे। जाहिर सी बात है, सारे स्पोरेंजिया एक जैसे थे, है ना, सारे के सारे स्पोरेंजिया एक जैसे थे, और सभी के सभी सेम स्पोरोफिल पे थे, सभी के सभी एक जैसे लगे हुए थे, कोई डिफरेंस नहीं था। अब जब आप आ गए हो लाइकोपोडियम से सिलेजिनेला पे, ठीक है, अब जब आप एंट्री कर गए हो सिलेजिनेला पे, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे दो तरीके के स्पोर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोर्स हैं वो दो तरीके के हैं, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो या मेगा। दो है, जाहिर सी बात है, दोनों को बनाने वाला स्पोरेंजियम भी अलग होगा, एक होगा माइक्रो स्पोरेंजियम और एक होगा मेगा स्पोरेंजियम, होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि इनका अरेंजमेंट भी अलग होगा,
ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली कोई भी माइक कोई भी वो ये माइक्रो हो गया, कोई भी मेगा हो गया, है ना, अपने आप इनका अरेंजमेंट भी होगा। तो ये अलग अलग स्पीशीज में हमको इनका अलग अलग अरेंजमेंट देखने को मिलता है। सपोज ये एक अगर सेंट्रल एक्सिस है, ये अगर एक सेंट्रल एक्सिस है और ये एक स्पोरोफिल, ठीक है, ये एक स्पोरोफिल है और ये एक स्पोरोफिल है। तो अलग अलग कैसे समझना, पहला केस ये है कि जितने लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड ये जो रेड वाले हैं, ठीक है, जितने लेफ्ट साइड वाले हैं उन पे जो स्पोरेंजिया डेवलप होंगे वो डेवलप होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और जितने ये राइट साइड वाले यानी जितने येलो वाले हैं इन पे जो स्पोरेंजियम डेवलप होंगे ये डेवलप होंगे मेगा स्पोरेंजियम। यानी कि राइट साइड वाला पार्ट बनाएगा मेगा स्पोर्स और लेफ्ट साइड वाला पार्ट बनाएगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक, ये तो हो गया एक स्पीशीज में किसी हमको देखने को मिल रहा है। दूसरे तरीके से कैसे अरेंज होते हैं, दूसरे तरीके से ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अगर ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक कोन है या स्ट्रोबिलस इसमें हम लोग बोलते हैं। स्ट्रोबिलस तो याद है ना तुम लोगों को क्या होता है, ठीक है, बंच ऑफ स्पोरोफिल। तो उसमें जो शुरुआती स्पोरोफिल्स होंगे नीचे वाले, ठीक है, उसमें जो नीचे वाले स्पोरोफिल्स होंगे, ऊपर वाले तो छोटे होंगे जाहिर सी बात है ना, तो जो शुरुआती स्पोरोफिल्स होंगे नीचे के, ठीक है, तो उन स्पोरोफिल्स में हमको मेगा स्पोर्स डेवलप होते देखेंगे, या हम ये कह लें उन स्पोरोफिल्स में हमको मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होता देखेगा। और जो ऊपर के होंगे, है ना, जो ऊपर के होंगे वहां पे हमको माइक्रो स्पोरेंजियम डेवलप होता देखेगा। तो ऊपर का पार्ट हो जाएगा माइक्रो स्पोरेंजियम के लिए या माइक्रो स्पोर्स के लिए, और जो नीचे का पार्ट है वो हो जाएगा मेगा स्पोरेंजियम के लिए। ठीक, इतना क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं स्ट्रोबिलस में। समझ में आया क्या अलग है सिलेजनिया में लाइकोपोडियम से, है ना, बड़ा इजी है ये। तो हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे, हम लोग को यही पढ़ना अभी, है ना। तो अभी देखो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे पास देखने को मिल रहा है सिलेजनिया क्रॉसियाना में, और ये वो वाला अरेंजमेंट है जो हमने तुम लोग को बाद में बताया दूसरे नंबर पर, जिसमें क्या देखने को मिल रहा है, जो मेगा स्पोरेंजियम है, जो मेगा स्पोरेंजियम है वो हमको नीचे की तरफ मिल रहे हैं, नीचे वाले जितने होंगे मेगा स्पोरेंजियम होंगे और उसके ऊपर के जितने होंगे वो माइक्रो स्पोरेंजियम होंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर माइक्रो, ठीक, ऊपर के होंगे वो माइक्रो होंगे। हो सकता है नीचे चार पांच मेगा स्पोरेंजियम हो, ऊपर दो माइक्रो स्पोरेंजियम हो सकता है ऊपर, हाँ ऑन है, क्यों क्या हुआ? अच्छा, तो ऊपर के हमको देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि ऊपर के चार पांच माइक्रो हो या ऊपर के दो तीन ही माइक्रो हो, उसके बाद नीचे मेगा हो, तो ये इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट साइड के सारे माइक्रो हो, लेफ्ट साइड के सारे माइक्रो हो और राइट साइड के सारे मैक्रो हो या मेगा हो, तो इस तरीके से भी ये खुद को अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है स्पोरोफिल। किसका स्पोरोफिल? ये स्पोरोफिल है सिलेजनेला का, और इस सिलेजनेला के स्पोरोफिल में तुमको पता है इस तरीके से स्पोरेंजियम अरेंज रहते हैं, और इस तरीके के स्पोरेंजियम अरेंजमेंट में क्या होता है, जो स्पोरेंजियम है ये डेवलप होते हैं यहाँ पे, इनके डेवलपमेंट के बाद इनमें माइक्रोस्पोर्स और मेगा स्पोर्स बनते हैं। तुमको अब तो ये तो पता ही है लाइकोपोडियम से कि स्पोर्स क्या होते हैं, स्पोर्स तो जान रहे हो ना क्या होता है, बढ़िया। अब देखो, अब एक और बात, अब तुम लोग ये पूछोगे कि ये बताओ सर, ये बताओ कि ये तो तुम्हारे पास था एक स्पोरेंजियम, ठीक, अभी जब डेवलपमेंट की बात हुई है, शुरुआत हुई है डेवलपमेंट की, तो ये है एक स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम को कैसे पता चलेगा कि इसे माइक्रो स्पोरेंजियम बनना है या इसे मेगा स्पोरेंजियम बनना है ना, अब इसे कैसे पता चलेगा कि इसे माइक्रो स्पोरेंजियम बनना है या मेगा स्पोरेंजियम बनना है, या चलो एक बार को हम मान लें, मतलब तुम हमारे ऊपर क्राइटेरिया रख रहे हो कि चलो एक बार को हम मान लें कि हम आप की कहा कि आपने बता दिया कि हाँ इन्हें पता चलता है, तो हम ये कैसे कहेंगे कि ये वाला माइक्रो स्पोरेंजियम है और ये वाला मेगा स्पोरेंजियम है, कौन सी चीज इन दोनों को अलग अलग करेगी एक दूसरे से, तो वो समझो, आप समझने वाला ज्यादा है, ठीक। तो अभी देखो, अभी क्या है, नई नई
यहां से इस एक्सिस पे एक पत्ती बनी, ये, और इस पत्ती पे एक नया नया स्पोरेंजियम डेवलप हुआ है, ठीक। और इस स्पोरेंजियम में शुरुआती जो डेवलपमेंट है वो माइक्रो और मेगा दोनों में एकदम सेम है ना। शुरुआत में तुम दोनों को एक दूसरे से डिफर भी नहीं कर पाओगे कि कौन सा माइक्रो है और कौन सा मेगा है ना, दोनों एक जैसा ही एकदम लगेंगे और सेम डेवलपमेंट होता है। फिर तुम लोगों ने एक चीज सुनी होगी, mRNA, सुना है? हाँ, mRNA सुना है क्या होता है? जीन सुने है ना, जीन है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगा स्पोरेंजियम में अलग अलग जीन्स का एक्सप्रेशन होता है। कुछ ऐसे जीन्स जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ ले जाते हैं, या हम ये कह लें स्पोरेंजियम को माइक्रोस्पोरेंजियम की तरफ ले जाते हैं, और कुछ ऐसे mRNA होते हैं जो स्पोरेंजियम को मेगा स्पोरेंजियम की तरफ ले जाते हैं। अब ये तुम लोग पता करोगे जब रिसर्च करोगे आगे जाके पीएचडी में, वो कौन सा mRNA है जो इधर उधर लेके जा रहा है, क्योंकि हर जगह mRNA दिया हुआ है, ये नहीं कि कौन सा mRNA या स्पेसिफिकली कौन सा जीन है ना। तो बस ये पता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अभी क्या है हमारे पास, ये स्पोरेंजियम या तो माइक्रो हो सकता है या तो मेगा हो सकता है। तो जब ये माइक्रो होगा तो क्या होता है कि एक स्पोर, इस स्पोर में यहाँ पे जो डिवीजन होगा तो कैसा डिवीजन होगा, याद है तुम लोग को, बोले तो नहीं हो? इस स्पोर, जो हमारा स्पोर मदर सेल है, इस स्पोर मदर सेल से जब स्पोर बनना है तो कैसा डिवीजन होता है, स्पोर मदर सेल 2n है, स्पोर मदर सेल 2n है, और यहां से बनेंगे चार स्पोर्स इससे, और ये चारों स्पोर्स कैसे होंगे, n, ये कैसा डिवीजन हुआ, ये हुआ मियोसिस, ठीक, ये हुआ मियोसिस। देखो डिफरेंस तुम लोग को बताने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है मेगा स्पोरेंजियम में और माइक्रो स्पोरेंजियम में। इसमें भी तुम्हें पता है स्पोर मदर सेल होती है, यहां पे भी चार एन सेल बने और ये था 2n, ठीक, और यहां पे भी मियोसिस हुई। तो ये तो बात एकदम याद रख लो कि चाहे मेगा स्पोरेंजियम हो या माइक्रोस्पोरेंजियम हो, दोनों में मियोसिस तो होनी है, और किस स्टेप पे होनी है, जब स्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे तब, ठीक है, जब स्पोर मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे उसी पॉइंट पे मियोसिस होगी। अब ये कहोगे यार ये दोनों तो एकदम एक जैसे लग रहे हैं, क्या इस दोनों को अलग कर रहा है? तो देखो जो माइक्रोस्पोर्स होंगे, ठीक है, या हम ये कह लें जो माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, उस माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल से जो चार सेल बनेंगे, 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे, है ना, ये चारों के चारों जिंदा रहेंगे, और ये चारों के चारों अलग अलग स्पोर्स बनेंगे। कैसे स्पोर्स बनेंगे, ये चारों के चारों माइक्रो स्पोर्स बनेंगे, समझ पा रहे हो? और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा मेगा स्पोरेंजियम है, इसमें जब स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा तो इन चार में से तीन सेल डिग्रेड हो जाएंगे, हो सकता है ये हो जाए, और सिर्फ और सिर्फ एक सेल क्या करेगा, डेवलप करेगा, किसमें डेवलप करेगा, मेगा स्पोरेंजियम में, मेगा स्पोर में, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम से स्पोर मदर सेल के द्वारा जो चार सेल बनेंगे उसमें तीन डिग्रेड हो जाएंगे, सिर्फ एक डेवलप होगा मेगा स्पोर में, और यहां पे कितने माइक्रोस्पोर बने, चार। तो ये डिफरेंस है माइक्रोस्पोरेंजियम में और मेगा स्पोरेंजियम में। स्पोर मदर सेल वही है, डेवलपमेंट वैसा ही होता है, बस इस स्टेप पे आके स्पोर मदर सेल से जो डिवीजन है उसके बाद जो सर्वाइवल है वो बदल जाता है। माइक्रोस्पोर्स चार बनते हैं एक स्पोर मदर सेल से, मेगा स्पोर्स सिर्फ एक बनता है स्पोर मदर सेल से। समझ में आया यहाँ पे कोई दिक्कत? हाँ बताओ, बाकी लोग कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा ना, बढ़िया। अब देखो एक और खास बात, अब इसकी एक और खास बात, मतलब इतना खास है सीधे जाने लगा तो कि तुम लोग इसकी खासियत ही वो हो जाओगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि यार ये एक स्पोरोफिल है, इस स्पोरोफिल पे ये एक स्पोरेंजियम लगा हुआ है,
इस स्पोरेंजियम में ढेर सारे स्पोर भरे हुए हैं, लाइकोपोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये स्पोर यहाँ से निकल रहे हैं जब ये स्पोरेंजियम फट रहा है, और ये स्पोर जाके ग्राउंड पे आ जा रहे हैं, ठीक, और वहां पे बना रहे हैं, ग्राउंड पे क्या बना रहे हैं, गेमेटोफाइट। और इस गेमेटोफाइट में जो आगे हो रहा था वो तो हो ही रहा था। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था, समझ, यहां तक तो हमको पता था ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं कि ऐसा होता था, ठीक। अब कहानी गई है उलट, है ना, अब कहानी गई है उलट। अब देखो क्या हो रहा है, अब ये है तुम्हारी सेंट्रल एक्सिस, ये है तुम्हारा पत्ती, इसको तुम बोलते हो स्पोरोफिल, ठीक। ये है तुम्हारा मेगा स्पोरेंजियम, ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेंगे और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर बनेंगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता ही है। लेकिन जब ये स्पोर बन जाएंगे, लेकिन जब ये स्पोर बन जाएंगे तो ये यहां से निकल के, ऐसा नहीं कि जमीन पे जाएंगे, ठीक, ये यहां से निकल के जमीन पे नहीं जाएंगे, चाहे माइक्रोस्पोर हो या मेगा स्पोर हो, ठीक, चाहे माइक्रोस्पोर हो या मेगा स्पोर हो, ये यहां से निकल के जमीन पर नहीं गिरेंगे। जो यहां का माइक्रोस्पोर है ये बनाएगा मेल गैमेटोफाइट, और ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट मेगा स्पोर। ये कहां बनाएगा, ये कहां बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर और फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। समझ पा रहे हो चीजें कहां हो रही हैं? हाँ, स्पोर्स यहां से बाहर ही नहीं निकले हैं, स्पोर स्पोरोफाइट में, स्पोरोफिल के ऊपर, माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही है, और मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं। तो है ना ये बड़ा डिफरेंस बाकी सबसे अभी तक, है ना ये बड़ा डिफरेंस, समझ पा रहे हो चीजों को, रिलेट कर पा रहे हो सारे बारी लाइन से लाइन से, है ना। तो अब ऐसा हुआ मेल गैमेटोफाइट बना और फीमेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट किससे बना, मेल गैमेटोफाइट बना माइक्रोस्पोर से, और फीमेल गैमेटोफाइट बना मेगा स्पोर से। अब ये तो हो गया, इतना तो बन गया। अब इस गैमेटोफाइट पे और इस फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या बनने का टाइम आ गया है, हाँ, बढ़िया, प्रशांत ने बोल ही दिया कि एंथ्रीडियम, नहीं एकदम सही, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनने का टाइम आ गया है, ठीक, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम बनने का टाइम आ गया है। तो इन दोनों में ही, यानी कि मेल गैमेटोफाइट में अलग और फीमेल गैमेटोफाइट में अलग, मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियम बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम बनेगा। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, किसके लिए ये वाला पार्ट हमने लिया, कि तुम लोग ये याद रखो कि ये जो स्पोर्स हैं ये बाहर निकल के नहीं गए हैं, ये बाहर निकल के नहीं गए हैं, ये इसी स्पोरोफिल में, इसी स्पोरेंजियम के अंदर ही हैं और अंदर ही गैमेटोफाइट बना रहे हैं मैच्योर होने के बाद। ये बात एकदम क्लियर रखना, और जब ये गैमेटोफाइट बनेगा तो अंदर ही एंथ्रीडियम और अंदर ही आर्किगोनियम डेवलप होंगे। यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे आर्किगोनियम और यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे एंथ्रीडियम अंदर, ठीक। कैसे डेवलप होंगे उसकी प्रोसेस कुछ इस तरीके की है हमारे पास। ये हमारा स्पोर था, ये दो में डिवाइड करेगा, दो सेल में, है ना, एक सेल से दो सेल, दो से ऐसे डिवाइड करते करते यहाँ पे नीचे छोटे छोटे और डिवीजन हमको देखने को मिलेंगे। हालांकि इतना ज्यादा हमको पूरी साइकिल याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमने इसलिए तुम लोग एडिशनल नॉलेज के लिए इसको इनकॉर्पोरेट कर दें यहाँ पे। अल्टीमेटली एक स्पोर से शुरू हुई कहानी, एक माइक्रो स्पोर से शुरू हुई कहानी, या हम ये कह लें जो हमारा एंथ्रीडियम था जो बनना शुरू हुआ, उसकी कहानी तुमको इतनी आगे तक ले जाएगी, उसकी कहानी तुमको इतनी आगे तक ले जाएगी कि जो तुम्हारा एंथ्रोजॉइड है, है ना, वो कुछ इस तरीके से डेवलप होगा उस किस पे, जो माइक्रोस्पोरेंजियम से बना हुआ जो माइक्रोस्पोर था, उस माइक्रोस्पोर से जो बना हुआ गैमेटोफाइट था, जो मेल गैमेटोफाइट था, वो मेल गैमेटोफाइट तुमको ऐसे करके एंथ्रोजॉइड्स में बदलता हुआ दिखेगा, ठीक है। ढेर सारे एंथ्रोजॉइड्स। जल्दी से ये बता दो कि स्पोर मदर सेल से अगर हमारे पास चार माइक्रोस्पोर बने थे तो कितने गैमेटोफाइट होंगे, हाँ?
अरे स्पोर मदर सेल से चार बने थे माइक्रो, हमारे पास चार माइक्रो स्पोर्स थे, और इस हाँ तो इससे चार बनेंगे ना, चार मेल गेमेटोफाइट। माइक्रो की बात हो रही है ना, चार मेल गेमेटोफाइट बनेंगे, और इन चार चारों मेल गेमेटोफाइट में चार एंथ्रीडियम बनेंगे अलग अलग, है ना, या हम ये कह लें कि एंथ्रोजॉइड इनमें चारों से निकलेंगे अलग अलग। ठीक, तो एंथ्रोजॉइड बहुत ज्यादा होंगे, एंथ्रोजॉइड बहुत ज्यादा होंगे, समझ पा रहे हो? और ये चीज कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है ये चीज, जल्दी से बता दो, यहाँ तक का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? स्पोरेंजियम में हो रहा है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल मत भूलना। ठीक, तो ऐसे हमारे एंथ्रोजॉइट्स बनेंगे, ऐसे हमारे मेल गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ तक रोक दो कि हाँ मेल गैमेट बन गया, अच्छी बात। अब हम लोग चलते हैं उधर की तरफ, आर्किगोनियम भी बना लाते हैं, है ना, कि आर्किगोनियम कैसे बन रहा है फीमेल गैमेटोफाइट बनने के बाद। ये तो तुम लोग को याद ही है कि जो स्पोर मदर सेल था वो चार में डिवाइड हुआ था, चार सेल्स में, या हम ये कह लें जो चार स्पोर्स में, चार मेगा स्पोर्स में, और उसमें से सिर्फ एक सरवाइव किया था। ठीक, सिर्फ एक सरवाइव किया था, है ना, बाकी तीन डिग्रेड हो गए थे, बाकी तीन डिग्रेड हो गए थे, सिर्फ एक बचा था। तो इस एक स्पोर मदर, इस एक जो हमारा स्पोर्स है, जो एक हमारा मेगा स्पोर है, इस एक मेगा स्पोर से डेवलपमेंट शुरू होता है किसका, फीमेल गेमेटोफाइट का। फीमेल गेमेटोफाइट का क्या होता है यहाँ पे, ये तुम्हारा आउटर वॉल, इनर वॉल, इस तरीके से क्या कहते हैं, डिवीजन शुरू होता है, और जो आउटर वॉल है ये पूरा क्या बना लेता है, ये आउटर वॉल एक तरीके की जैकेट बना लेता है। ठीक है, एक तरीके की जैकेट बना लेता है, इसको चारों तरफ से ढक लेता है, और अंदर ढेर सारे सेल जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ढेर सारे ढेर डिवाइड शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के स्टेबलाइज होकर क्या बनाते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, कुछ इस तरीके का फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, और इस फीमेल गेमेटोफाइट की पूरी सरफेस पे हमको आर्किगोनिया डेवलप होते मिलेंगे। ठीक है, आर्किगोनिया हमको डेवलप होते मिलेंगे, और आर्किगोनिया में क्या होगा, एग। आर्किगोनिया में क्या होगा, एग, और वो एग कैसा होगा, एन। भाई ये जो स्पोर है ये भी कैसा था, एन, और ये जो स्पोर था, ये जो यहाँ पे स्पोर था, हमको ये कैसा मिला, वो भी एन मिला, मिला कि नहीं मिला, ये भी एन मिला। ठीक, तो अभी जो एंथ्रोजॉइड है ये भी एन है, यानी कि हैप्लोइड, और जो हमारे यहाँ पे बनेगा अब आर्किगोनिया के जो अंदर जो एग बनेगा ये भी कैसा होगा, ये भी होगा हैप्लोइड। ठीक, तो ये तो बात हो गई तुम्हारे फीमेल गेमेटोफाइट की, मतलब ऐसा तो तुम्हारा फीमेल गेमेटोफाइट बन रहा है, लेकिन जो आर्किगोनियम है वो इसके अंदर कैसे डेवलप करता है। जैसे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट तो अलग से तुम लोग को नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर बन जा रहा है। ठीक, डायरेक्ट इसी के अंदर सेल डिवाइड होते 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 एंथ्रोजॉइट बना दे रहे हैं, लेकिन फीमेल गेमेटोफाइट में एक अलग से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट में एक अलग से स्ट्रक्चर बनता है, मानो जैसे हमारा जो फीमेल गेमेटोफाइट बना वो कुछ इस तरीके का बना, वो कुछ इस तरीके का बना अगर, ठीक, तो उसमें यहाँ पे सरफेस पे, इस जगह पे सरफेस पे कहीं भी जो सेल्स होंगे उसमें से क्या करेगा, एक सेल को ये डिवाइड कर ले, को ये डिसाइड कर लेगा कि हाँ मैं आर्की स्पोरल इनिशियल बनूंगा, यानी कि मैं आर्की स्पोरेंजियम बनाऊंगा। ठीक, तो वो ऐसा जब सोच लेगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे आर्कीगोनियल, या आर्की मतलब जो हमारा आर्किगोनियम इनिशियल, वहां से शुरुआत होगी। अब ये बताओ यहाँ पे एक अगर सेल से शुरुआत हो रही है तो ये किस तरह का डेवलपमेंट माना जाएगा? हाँ, अगर एक सेल से शुरुआत हो रही है तो किस तरीके का डेवलपमेंट माना जाएगा ये? बोल रहा था, बोल, कोहनी मार दूंगा मैं सर पे आके। हाँ ये बताओ कि तुम लोग जो है दोनों बोलो, कोई एक तो सही हो ही जाएगा। लेप्टोस्पोरेंजियट, ठीक, एक सेल से बन रहा है, तो उसके बाद क्या होगा, उस सेल में डिवीजन होगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से पांच, ऐसे करके डिवीजन होते होते, ये तुम लोग लाइकोपोडियम में जैसा पढ़ के आए हो एकदम डिट्टो वैसा ही है ना, जैसे लाइकोपोडियम में पढ़ के आए हो वैसा ही है, बस अब जगह बदल गई है। अब ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं स्पोरेंजियम के अंदर, ये सारी चीजें हो रही हैं स्पोरेंजियम के अंदर। तो वैसे ही नेक्स्ट सेल बन गए, ठीक है, कैनाल सेल्स बन गए, एग बन गया, और एग के चारों तरफ वेंट्रल बन गया, ये हम ये कह लें
प्रोटेक्टिव लेयरिंग हो गई, ठीक है। बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग, और ये एग कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक। तो एग हैप्लॉइड बन गया, एग हैप्लॉइड बन गया, एंथ्रोजॉइड हैप्लॉइड बन गए। जब कहानी तैयार है तो दोनों को लड़वा दो, ठीक। जब कहानी तैयार है तो दोनों को लड़वा दो। अब देखो वो कह रहा है, अब इनको चाहिए पानी की एक फिल्म, है ना, इनको फिल्म ऑफ वाटर की जरूरत है, इनको पानी की जरूरत है अब फर्टिलाइजेशन के लिए। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये है स्पोरेंजियम की एक एक्सिस, पहले स्पोरोफिल की एक एक्सिस, इस पे ये है तुम्हारा एक स्पोरोफिल, ये है दूसरा स्पोरोफिल, ये है मेगा स्पोरेंजियम और ये है माइक्रो स्पोरेंजियम। तो अभी तक की जो कहानी है, या हम ये कह लें ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये यहाँ पे डेवलप हो रखा है, मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे डेवलप हो रखा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एंथ्रोजॉइड है, ये जो एंथ्रोजॉइड है, ये क्या है, ये जो एन वाले एंथ्रोजॉइड है, हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड है, ये अब यहाँ से पानी की मदद से, फिल्म ऑफ वाटर, पानी की मदद से मूव करेंगे किधर की तरफ, इधर की तरफ। और यहाँ पे क्या है तुमको पता ही है, क्या है यहाँ पे, यहाँ पे है आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम किसके ऊपर लगा हुआ है, आर्किगोनियम लगा हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, है ना, आर्किगोनियम लगा हुआ है या आर्किगोनियम डेवलप हुआ है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और आर्किगोनियम के पास क्या है, एग है कि नहीं है। तो एग अभी कहाँ होगा, एग इसी स्पोरेंजिया के अंदर, मेल फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, आर्किगोनियम के अंदर है, ठीक। तो अब यहां से ये एंथ्रोजॉइड आएंगे पानी की मदद से, मस्त एकदम घूमते फिरते, और क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे आगे किसके साथ, आर्किगोनियम में जो एग है उसके साथ। और एक बार अगर आर्किगोनियम के एग के साथ फ्यूज कर गए तो वो क्या बना लेंगे, टू एन जाइगोट बना लेंगे, नहीं बनेंगे। अब इस जाइगोट से क्या बनेगा, है इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, नहीं बनेगा, है ना। तो जो हमारे पास अब जाइगोट बन गया 2n, इस जाइगोट से बन जाएगा स्पोरोफाइट, ठीक। तो ये हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में, जब ये हो रहा है, क्या हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ हो रहा है, मेगा स्पोरेंजियम जब बन जाता है कहाँ पे, क्या कहते हैं हमारे उस पे, या हम ये कह ले आर्किगोनियम जब बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, जो कि कहाँ है, अभी भी स्पोरेंजियम के अंदर है, ये बात बिल्कुल भी गलती से मत भूलना, स्पोरेंजियम के अंदर है जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, उसमें जब बन जाता है आर्किगोनियम, तब ये बाईफ्लैजेलेट जो स्पर्म है, जो हैप्लॉइड स्पर्म है, ये जाते हैं पानी की मदद से, ठीक है, थिन फिल्म ऑफ वाटर की मदद से, और फिर एग को फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और इस जाइगोट से बन जाता है स्पोरोफाइट। तो कहानी जहां से हम लेके शुरू हुए थे वहीं पे पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, हाँ, आज की क्लास में जितनी चीजें थी समझ में आई, कोई दिक्कत अभी तक, सब रिलेट कर पा रहे हो ना कहानी, ठीक है। तो हम लोग के पास आ जाती है अब, ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, है ना, इसकी जरूरत नहीं है कि ये नया बनता कैसे है, हालांकि तुम लोग ये ना कहते कि ऐसा क्या हुआ। तो अब देखो जो 2n हमारे पास जाइगोट बना है ना, ये 2n जाइगोट उस स्पोरेंजियम के अंदर ही डिवाइड करना शुरू करेगा, एक से दो, दो से चार, चार से छह, ऐसे करके सस्पेंसर सेल्स बनेंगे, और नीचे के स्टेम और रूट के सेल्स बनेंगे, और कुछ इस तरीके का एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो अल्टीमेटली लीड करेगा किसके डेवलपमेंट में, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट, ठीक है, स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट में। तो ये हमको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये हमको देखने को मिलेगा। और जो हमारा क्या कहते हैं डेवलपमेंट है, मतलब अगर याद रखना इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तो ये याद रखना कि ये एंडोस्कोपिक होगा, यानी कि जो एम्ब्रियोनिक सेल्स जो मतलब क्या करेंगे, जो डिवाइड होंगे वो कहाँ होंगे, वो आर्किगोनियम की बेस की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ, ना कि ऊपर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल लाइफ साइकिल देखना चाहें, तो बड़ी मजेदार लाइफ साइकिल हमको देखने को मिल रही है। हम यहाँ से लेके शुरू करा था हमने, यहाँ से हमने शुरुआत करी थी स्पोरोफाइट प्लांट से, जो कि था 2n, और उसके बाद बन गए क्या हमारे पास, हमारे पास बन गया एक
स्पोरोफिल, और उस स्पोरोफिल पे हमारे पास दो तरीके के स्पोरेंजियम है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम एक मेगास्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम से बना माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बना माइक्रोस्पोर, और मेगास्पोरेंजियम से बना मेगास्पोर मदर सेल, और इस मेगास्पोर मदर सेल से बना मेगास्पोर। अब तुम लोग टर्म तो समझ पा रहे हो ना कि माइक्रोस्पोर मदर सेल और मेगास्पोर माइक्रोस्पोर क्या है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको? हाँ। तो अब यहाँ से जब माइक्रोस्पोर है इस जगह पे, माइक्रोस्पोर मदर सेल से जब मेगास्पोर मदर सेल बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी जगह पे होगी मियोसिस, इसी जगह पे होगी मियोसिस। और यहीं पे इन दोनों में बड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो चार माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर ऐसा होगा जो सरवाइव करेगा। ये बात भूलोगे तो नहीं? हाँ, ये बात भूलोगे तो नहीं? इसी स्टेप पे हो रहा है ये चीज। उसके बाद माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाएगा मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। अच्छा, तुम लोग ये क्यों नहीं पूछते कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मेगास्पोर मदर सेल से एक ही सर्वाइव कर रहा है और माइक्रोस्पोर के सारे गिर जा रहे हैं? है? तुम सवाल उठाओ वरना साइंस नहीं पढ़ पाओगे जीवन में। हम तो बताएंगे, हमारा तो कर्तव्य है, तुम लोग अपना कर्तव्य निभाओ पूछने का। देखो, ये है एक मेगास्पोरेंजियम, ठीक। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर जो चार होगा एक अगर स्पोर मदर सेल से बनेगा तो उसमें से एक ही सरवाइव करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर का मेगास्पोर कभी भी यहां से बाहर निकल के नहीं जाता है, अपना जीवन जीवांतर यही रहता है, और इसी मेगास्पोर के ऊपर आर्किगोनियम डेवलप करता है ना, आर्किगोनियम डेवलप करता है। एंथ्रोजोइट्स तो उधर से एक साथ घूमते हुए आए और यहाँ पे इससे फ्यूज कर गए, लेकिन इससे फ्यूजन होने के बाद जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट बनता है, और इस जाइगोट से बनता है स्पोरोफाइट, है ना। तो बेसिकली हम ये कह लें कि इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए चाहिए स्पेस, ठीक है, इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के लिए और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट बनने के लिए चाहिए स्पेस। अगर सोचो यहाँ पे मेगा स्पोर एक की जगह 10 होते तो क्या इतना स्पेस होता कि ये सारे एम्ब्रियो डेवलप होके स्पोरोफाइट बना पाते? नहीं होता। तो उस चीज को कम करने के लिए, उस एक मेगा स्पोर से स्पोरोफाइट को बनाने के लिए हमने, मतलब नेचर ने ये कदम उठाया, ठीक है, कि बाकी जो मेगा स्पोरेंजियम है उनका, बाकी मेगा स्पोर्स हैं उनका डेवलपमेंट ना हो पाए, सिर्फ एक मेगा स्पोर बने। और एंथ्रोजॉइड के में क्या हुआ, जो हमारा एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम में क्या हुआ, ये हम ये कह लें जो हमारा माइक्रोस्पोर है, इनको एक लंबा रास्ता तय करना था, इनको एंथ्रीडियम से निकल के पानी के माध्यम से आर्किगोनियम तक आना था। अब सोचो जब ये पानी के माध्यम से आना है इन्हें, तो हो सकता है कभी पानी मिले कभी ना मिले, कभी मिले तो कहीं और ले जाए। तो अगर होता ना कि एक से सौ अच्छे, तो एंथ्रीडियम जो है वो एक से सौ अच्छे, सौ से हजार अच्छे और हजार से लाख अच्छे। तो अगर लाख एंथ्रोजोइट जा रहा है तो और अच्छा, फिर तो बहुत चांसेस बढ़ गए, मतलब जो इतना डेवलपमेंट तुमने किया है वो वेस्ट नहीं जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को, है ना। तो इसलिए जो है माइक्रोस्पोर जो है वो ज्यादा बनते हैं, या जो मेल गैमेटोफाइट है वो ज्यादा बनते हैं, और मेगा स्पोर कम बनते हैं या एक ही बनता है। तो ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो ये हमको, क्या, अरे यार तुम लोग लाइकोपोडियम का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा था, प्रोटोकॉर्म स्टेज एक भैया पढ़ाया लाइकोपोडियम को, तुमने क्लासें नहीं करी, तुम्हारी गलती है। हाँ, तो वो तुम्हारी गलती है ना। प्रोटोकॉर्म स्टेज एक ऐसी स्टेज आती है जहां पे जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा होता है ये कम्प्लीटली फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ये हम ये कह लें इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इसी स्टेप पे यहाँ से अलग हो जाएगा, और यहाँ से अलग होकर बाहर गिर जाएगा, वहां प्रोटोकॉर्म स्टेज से आगे ये खुद का नया प्लांट बनाना शुरू कर देगा, है ना।
तो जो काम पहले जमीन पे हो रहा था वो काम अब स्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है, बस ये प्रोटोकॉम स्टेज पे यहाँ से अलग हो जाएगा गैमेटोफाइट से, है ना, वो वही कहानी है, पीछे पढ़ना लाइकोपोडियम वाले में, इसी हमने उसको दोबारा नहीं इंक्लूड किया। ठीक, तो इस फीमेल गैमेटोफाइट से बन गया आर्किगोनियम, इस पे बन गया आर्किगोनियम और यहाँ बन गया एंथ्रोजाइट, दोनों फ्यूज करे जाइगोट बना, स्पोरोफाइट बना और स्पोरोफाइट से वापस से हम वहीं पहुंच गए। तो ये हमारी एक बढ़िया सी सुंदर सी लाइफ साइकिल हो गई। कोई भी दिक्कत किसी को, जैसे प्रशांत के मन में सवाल आया, कोई भी और पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सिलेंजनेला यहाँ हम लोगों ने खत्म करा है। हाँ, जितनी चीजें हैं उसमें लिखी हुई हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई हो आज की क्लास में तो तुम लिखी हुई चीजें पढ़ सकते हो, फिर भी नहीं समझ में आई है तो तुम लोग टेक्स्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना रिकॉर्डिंग भी देख लेना। ठीक है।